नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे डायरेक्शंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, बेसिक चार टाइप की डायरेक्शंस होती हैं। नॉर्थ, जो कि ऊपर की तरफ है, साउथ नीचे, लेफ्ट में वेस्ट और राइट में ईस्ट। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, अगर आप इस एग्जाम्पल को ढंग से समझ लेंगे तो आप डायरेक्शन के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो साउथ है हम उसको एस से डिनोट करेंगे, नॉर्थ को एन से, वेस्ट को डब्ल्यू से और ईस्ट को ई से। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले लिखाएंगे ट्रेवल 8 किलोमीटर साउथ। ठीक है, तो साउथ के लिए हम 8 किलोमीटर चल रहे हैं, तो हम इसको एस 8 लिखेंगे। ठीक है, साउथ में हम 8 किलोमीटर चले तो एस 8 लिखिए। फिर हम चले नॉर्थ में 4 किलोमीटर, तो एन 4। साउथ में फिर हम 2 किलोमीटर चले तो लिखिए एस 2। नॉर्थ में 6 किलोमीटर चले तो एन 6। वेस्ट में 3 किलोमीटर डब्ल्यू 3। ईस्ट में 6 किलोमीटर ईस्ट 6। फिर वेस्ट में हम गए 4 किलोमीटर डब्ल्यू 4। अब इसके बाद हमें क्या करना है उस चीज में ध्यान दीजिए। साउथ वाले जो भी हमारे पास डेटा है हम उसको ऐड करेंगे, ऐसे ही नॉर्थ का डेटा को ऐड करेंगे, ईस्ट का डेटा ऐड करेंगे और वेस्ट का डेटा ऐड करेंगे। तो हम कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। साउथ का हमारे पास दो डेटा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे एस 10। ऐसे ही नॉर्थ का दो डेटा है तो वो हो जाएगा एन 10। वेस्ट का दो डेटा है हमारे पास तो इसको लिखेंगे डब्ल्यू 7। ठीक है, 3 + 4 = 7। और ईस्ट का हमारे पास है केवल एक डेटा तो वो है 6। तो जैसा आपको पता है कि नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में साउथ आता है। ठीक है, तो हम साउथ को कैसे लिख सकते हैं, साउथ को हम माइनस नॉर्थ भी लिख सकते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। ऐसे ही हम वेस्ट को लिख सकते हैं माइनस ई। ठीक है, तो वही फॉर्मूला वही रूल जो हमने ऊपर लगाया है वो हम नीचे लगाते हैं। तो अगर हम इसको माइनस एन लिखेंगे 10 और यहाँ पे हमारे पास एन 10 है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, ऐसे ही वेस्ट को मैं अगर माइनस ई लिखता हूं और ई 6 हमारे पास है तो हमारे पास क्या बचा, माइनस ई। ठीक है, माइनस ई हमारे पास क्या है, वेस्ट के बराबर है। तो ये कितना हो गया डब्ल्यू, मतलब फाइनल लोकेशन हमारी जो होगी वो हो गई वेस्ट। अब इसमें एक टाइप की ट्रिक और आ सकती है जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वो भी आप ध्यान दीजिए, अभी मैं बताता हूँ वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको समझ आया कि ये कैसे करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल था। अब मान लीजिए आपके पास एग्जांपल ऐसा है कि मैं ट्रेवल किया हूं 4 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में 4 किलोमीटर चलाओ, तो हम नॉर्थ ईस्ट में 4 किलोमीटर कैसा देखेगा, हम ये वाला क्वाड्रेंट ले लेते हैं। ये नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में 4 किलोमीटर चलना हो गया ये वाला डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट में 4 किलोमीटर चलना हो गया ये। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नॉर्थ में इसका कितना कंपोनेंट जाएगा और ईस्ट में कितना जाएगा, तो इसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो एक परपेंडिकुलर आप यहां से ड्रॉ कीजिए, एक यहां से। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, हमारे पास ये वैल्यू है 4, अब हमें वैल्यू चाहिए ये वाली और ये। ठीक है, तो अब इसको आप अगर एज अ ट्रायंगल देखेंगे तो कैसे बनाएंगे, अगर हम इसको एज अ ट्रायंगल लेंगे नॉर्थ ईस्ट कंपोनेंट को, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो x² + x² = 4² तो हमें x की वैल्यू निकाल दिया तो वो हमारा हो गया नॉर्थ में कितना इसका कंपोनेंट है, तो 2x² = 16। ठीक है, तो x² = 8। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2√2। ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्थ में इसका कंपोनेंट 2√2 हुआ और ईस्ट में भी इसका कंपोनेंट 2√2 होगा। ठीक है, तो अब आप इसको लिख सकते हैं n 2√2 e 2√2।
तो जब अब आगे कोई भी कैलकुलेशन आएगी और कोई भी कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से लिखिए, फिर अपना कैलकुलेशन कंटिन्यू कर सकते हो। डायरेक्शंस में एक टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले हमें ये एक एजम्पशन लेके चलना होता है कि अगर हमें कोई भी स्टार्टिंग इनिशियल डायरेक्शंस नहीं दिए तो हम डिफॉल्ट डायरेक्शन नॉर्थ को लेके चलेंगे। ठीक है, अगर हमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि कौन से डायरेक्शन में चले, जैसे फॉर एग्जांपल मानिए राम सीधे 4 किलोमीटर चल रहे, तो सीधा हम मान के चलेंगे नॉर्थ में 4 किलोमीटर चला अगर हमें डायरेक्शन नहीं दिया तो। ठीक है, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे, तो इस पर ध्यान दीजिए, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। राम 40 मीटर ईस्ट में चल रहे, ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और यहाँ ले लेंगे 40, 40 मीटर ईस्ट में चला है, उसके बाद उसने लेफ्ट कर लिया है, तो आप अपने को अज्यूम करिए कि आप यहाँ से इधर चलें, अब आपके लिए लेफ्ट क्या होगा, ऊपर कितना होगा, ठीक है, ऊपर कितना चला है 20, तो यहाँ पे मार्क करिए 20, ठीक है, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया है, राइट कितना लिया, राइट लिया है 18, यहाँ मार्क किए, यहाँ पे मार्क करिए 18, फिर उसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया है और कितना चला है 24, ठीक है, और फाइनली उसने एक लेफ्ट और लिया और 12 और चला है। तो अब हमें बताना है कि उसकी फाइनली डायरेक्शन क्या है। ठीक है, फाइनली उसकी डायरेक्शन क्या है वो हम सब देख सकते हैं कि अभी वो लेफ्ट की तरफ है, तो उसका जो मुंह है उसको हम डायरेक्शन मानेंगे, तो मतलब बेस्ट उसकी डायरेक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, कभी वो मेंशन नहीं करते कि नॉर्थ क्या है साउथ क्या है, तो वो इनिशियल डायरेक्शन बता देगा, उसके बाद वो लेफ्ट और राइट बोलेगा, तो उस पर हमें ध्यान देना है। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी डायरेक्शन के साथ हमसे डिस्टेंस भी पूछ लिया जाता है और डिस्प्लेसमेंट भी। तो चलिए अब हम टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है राम ने वो देख लेते हैं, और उसका ओरिजिनल पोजीशन से स्टार्ट पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है वो भी देख लेते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैलकुलेट के लिए जो हमने नंबर मार्क किए हैं उनको कैलकुलेट कर लीजिए, उनको काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो पहले वो चला है 40, फिर चला है 20, कितना वो 60 प्लस 18 कितना वो 78, ठीक है, 78 प्लस 12 कितना वो 90 प्लस 24 कितना हुआ 114, ये हुआ उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अभी हमने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने देखा, तो अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हमारा स्टार्ट पोजीशन हमेशा जीरो होगा, तो हमने अपने स्टार्ट पोजीशन को जीरो मार्क कर दिया। ठीक है, तो अब हमें इसमें टोटल हम हॉरिजॉन्टल कितना गए हैं और वर्टिकल कितना गए हैं हमें वो देखना है। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम 40 चले, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, उसके बाद हम कितना चले 18, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल में 12 वापस लौट के आए हैं, 18 चलने के बाद हम लौट के 12 आए हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा रिटर्न 12 ले लीजिए, तो टोटल हम हॉरिजॉन्टल कितना चले 14 प्लस 18 माइनस 12, ठीक है, ऐसे ही अब हमें वर्टिकल वाला कैलकुलेट करना है, तो यहां हमारा जीरो हुआ, तो वर्टिकल में हम पहले 20 चले, उसके बाद हम 24 चले, ठीक है, तो अब टोटल हमारा ये कितना हुआ, वर्टिकल हम 44 चले हैं और हॉरिजॉन्टल 58 माइनस 12 46, तो अब हमारा ट्रायंगल कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल 46, ठीक है, वर्टिकल 44, तो ये जो डिस्टेंस जो ये जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 46 स्क्वायर प्लस 44 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम।
तो हमारी x की वैल्यू जो आएगी वो होगी अंडर रूट 46 स्क्वायर प्लस 44 स्क्वायर। अब आप इसको जो कैलकुलेट करेंगे वो आपके डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी तरीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में वो समझ में आ गया होगा। तो आप और प्रैक्टिस कीजिए, इन ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए, तो आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी लाभ मिले।